ओके अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके पास स्पेस वेलोसिटी के न्यू इंक्लूड किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन P1 और मतलब जो MCQs है और IGCSE ओ लेवल्स हो, दोनों में सेम सिलेबस फॉलो होगा। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कैम्ब्रिज की तरफ से जो उन्होंने डिज़ाइन किए हैं फॉर प्रैक्टिस, तो वो कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें से P2 पहले सॉल्व करेंगे। ये डॉक्यूमेंट भी आपको मैं सेंड कर दूंगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस MCQs भी हैं। तो पहले हम क्योंकि P2 प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले P2 सॉल्व कर लेंगे आज, और उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें हम P1 यानी MCQs और P2 IGCSE के लिए वो डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिक आपके पास जो रिवीजन नोट्स थे और जो प्लेलिस्ट का लिंक था वो भी शेयर कर दिया था, तो अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो वो आप वहां से एक बार चेक कर लेना, वो नोट्स में भी लिखा है, तो बाकी फिर जो है हम उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सोलर सिस्टम कंटेन्स द सन, प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, एंड स्टेट द नेम ऑफ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। मर्करी मरकरी। ठीक है, सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज मर्करी। एंड द सेकेंड पार्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ मून। मून ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लैनेट। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ मून इज दैट प्लैनेट ऑर्बिट्स अराउंड सन एंड मून ऑर्बिट्स अराउंड प्लैनेट, राइट? क्योंकि हमने सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी डिस्कस किया था, तो उसमें मून जो है वो आपके पास प्लैनेट्स के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्लैनेट, ऑर्बिट अराउंड द सन, एंड मून ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लैनेट। एक मिनट में इसे जरा चेंज कर लूं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, और थर्ड क्वेश्चन है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन एन एस्ट्रॉइड एंड अ कॉमेट। Asteroids are rocky. ओके, एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी। एनी अदर डिफरेंस? They orbit the sun. दे ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉमेट्स? ओके, सो इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स, सो बेसिकली फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दी कॉमेट्स, सो कॉमेट्स हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, राइट? सो ऑल दोज डिफरेंस एंड बेसिक नॉलेज आर इंक्लूडेड इन द PDF नोट आल्सो। तो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज कॉमेट्स हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एंड इफ वी कंपेयर इट विद द एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स हैव सर्कुलर ऑर्बिट। एंड द सेकेंड सेकेंड डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट इज दैट कॉमेट्स आर एलिप्टिकल
मेड अप ऑफ आइस, वेयर एज एस्ट्रॉइड्स आर मेड अप ऑफ So there is a difference of rocky planets, rocks and metals. So this is the third part of the question, that what is the difference between asteroid and comet. Okay, most of the question are related to the theoretical and some basic common concept. So don't get confused in the question. All topics are very much simple, which questions are included in the practice paper of this space physics. Okay, part D, the planet closest to the sun orbits in the sun in 88 days. And state two reason why the Earth takes longer to orbit the Sun than this planet. अब Earth को क्यों ज़्यादा time लग रहा है आपने ये बताना है, simple सा concept है. Because Earth is slow. ठीक है, तो आप दोनों का एक ही basic concept ये, क्योंकि हमारा जो distance होगा close planet के comparison में वो greater होगा, क्योंकि हम third number पे, तो हमारा orbit उसके accordingly greater है, तो Earth जो है वो ग्रेटर टाइम लेगी मूव करने के लिए. और दूसरा, फिर हम जो ऑर्बिटल स्पीड का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जब प्लैनेट ऑर्बिट करता है किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड, किसी बॉडी के अराउंड, तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड भी होती है. तो एक हम डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि एक तो ऑर्बिटल स्पीड स्लो है, या पहले हम डिस्टेंस वाला लिख लेते हैं. अर्थ हैज लार्जर orbit than the orbit of the closest planet. और सेकेंड डिफरेंस आप सिंपल ये लिखोगे कि अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो भी स्लो होगी जो उसे मूव करवा रही है उस ऑर्बिट में सन के अराउंड. स्लोअर ऑर्बिटल स्पीड than the planet. ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट डी हो गया, सिंपल सा डिफरेंस. और पार्ट ई, स्टेट द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ. अच्छा, ये जो वैल्यू होगी कि टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, ये भी आप नोट्स में देखना, वहां पे मेंशन है, ये एक फिक्स वैल्यू है. सो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 500 seconds. ठीक है, तो ये आपके पास फिक्स वैल्यू है 500 सेकेंड्स. और आप चाहो तो इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो. यूजिंग योर आंसर टू पार्ट वन, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, शो योर वर्किंग. सो वी हैव अ टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, and we need to find out the distance, and using your answer in one, calculate the distance from the sun to the earth, show your working. So what will be the formula to calculate the distance? Speed into time. Speed into time, you just need to use the basic formula. Yes. So working is very much simple. Speed is equals to distance over time, or distance is equals to speed times t. V is equals to 3 exponent 8, that is the speed of light, multiplied by the time, that is equals to 500 seconds. So you will get the answer of the distance, right? तो 3 5s are 15, एंड इसमें हम और ऐड कर लेते हैं 8 9 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.5.
एक्सपोनेंट 11 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, अ ईयर अ मंथ एंड अ डे कैन बी डिफाइंड। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। इन टर्म्स ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ, द मून एंड द सन यूजिंग दीज मोशंस कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, अर्थ टू ट्रेवल अराउंड द सन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने मंथ, ईयर और डेज के अकॉर्डिंग बताना है प्लैनेट्स के बारे में, और वो प्लैनेट की जो बात हो रही है वो आपके पास अर्थ, मून और सन की बात हो रही है, तो आप इनके बेसिक रेफरेंस को यूज करना है आपने, और आपने ये बताना है कि इनकी स्टेटमेंट्स को आप कैसे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि आपने बताना है एयर इज द टाइम फॉर। अब 1 ईयर का टाइम जो है वो कौन लेता है, तो एक आंसर जो आपने दिया कि अर्थ टू ट्रेवल अराउंड द सन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें एक ईयर कंप्लीट लगता है। हमने अर्थ के उसमें पढ़ा था कि हमारे 4 सीजन पूरे अर्थ के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, तो एयर इज द टाइम फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। और मंथ के लिए आप क्या लिखोगे? मून टू ट्रेवल अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो मंथ इज द टाइम फॉर मून टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और अ डे, डे का टाइम किसके रिक्वायर्ड होगा, या डे का हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन कैसे कंप्लीट होगी? अ डे इज द टाइम फॉर अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, एक स्टूडेंट ने तो आंसर दे दिए चैट में, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अ डे इज द टाइम फॉर अर्थ टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, है वही बेसिक नॉलेज, हमने भी ये सारी चीजें डिस्कस की थी, लेकिन बस आपके पास क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन नॉलेज आपके पास वही सेम बेसिक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अर्थ, जुपिटर एंड सैटर्न आर 3 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। वी आर हैविंग 3 डिफरेंट प्लैनेट्स। ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम टू ट्रेवल ऑर्बिट सन इन ईयर्स इज ऑल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन। सो यूजिंग डेटा फ्रॉम 2.1 कैलकुलेट द एवरेज रेडियस ऑफ सैटर्न ऑर्बिट अराउंड द सन, गिव योर आंसर इन किलोमीटर्स। तो पहले एक बार क्वेश्चन आप भी खुद देख लो, और फिर उसके बाद आइडिया दो कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैल्यू सब मेंशन है। ठीक है, एक आंसर आया वी इज इक्वल्स टू, ठीक है बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, तो हमने ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पर। ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ओवर पी, 2 पाई कॉन्स्टेंट, और आपने बेसिकली रेडियस फाइंड आउट करना है, तो वी टी ओवर 2 पाई और आर इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल स्पीड। जुपिटर सैटर्न की पूछी है, तो हम यहाँ पे सैटर्न की वैल्यू यूज करेंगे, 3.5 एक्सपोनेंट -4, सॉरी +4
एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम्स, और टाइम ईयर्स में उसे कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, 29 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है, क्योंकि हमें किलोमीटर्स में आंसर कैलकुलेट करना है, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। तो आपको जो है यूनिट आवर्स में यहाँ पर रखना है, सेकेंड्स में नहीं लेकर जाना है इसे, क्योंकि हमें 1 आवर की बात उन्होंने की है, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर में हम फिर 1 आवर यूज करते हैं टाइम पीरियड, तो हम इसे 1 आवर तक लेकर जाएंगे सिर्फ, डिवाइडेड बाय 2 पाई। आंसर इज 1.4 एक्सपोनेंट 9, बिल्कुल सही, तो आंसर भी आपके पास है 1.4 एक्सपोनेंट 9 किलोमीटर्स। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1.4 एक्सपोनेंट 9, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ तक तो इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बेसिक नॉलेज थी। और पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिगर 2.1 शोज वन अलाइनमेंट विद द सन ऑफ अर्थ जुपिटर एंड सैटर्न, तीनों के अलाइनमेंट आपको शो किया है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिट भी शो किया है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं वो। अच्छा ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि तीनों प्लैनेट्स जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में भी, और उसके बाद ये हुआ कि 29 ईयर्स लेटर सैटर्न रिटर्न्स टू द सेम पोजिशन। अच्छा 29 ईयर्स के बाद सैटर्न अपनी पोजीशन पर वापस आया, जिस पोजीशन पर वो अभी इनिशियली है, बट अर्थ जुपिटर आर नॉट इन द सेम लाइन, अर्थ और जुपिटर नहीं पहुंच पाए, ऐसा क्या डिफरेंस था? अच्छा क्योंकि ये पार्ट जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लिंक है, तो आपको इसमें प्रीवियस क्वेश्चन का रेफरेंस लेना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप वापसी जाते हो अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में आप इनका चेक करो टाइम, इन्हें टाइम कितना रिक्वायर्ड है रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। अब हमें नॉर्मली अर्थ का तो पता है, अर्थ को सिर्फ 1 ईयर चाहिए कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, अर्थ जो है वो रोटेट करेगा, और 29 ईयर्स के बाद जो है वो 29 रोटेशंस कंप्लीट कर चुका होगा। और इसी तरह से अगर आप जुपिटर की बात करो, तो जुपिटर जो है वो 12 ईयर्स ले रहा है, तो इसका मतलब ये है उसकी रोटेशन डिफरेंट होगी, हम 12 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि उसने कितनी रोटेशन कंप्लीट की। और लास्ट इसी तरह से सैटर्न की बात करें, तो सैटर्न को जो है वो 29 ईयर्स चाहिए, तो 29 ईयर्स का मतलब है कि सैटर्न सिर्फ एक रोटेशन कंप्लीट कर पाएगा आफ्टर 29 ईयर्स। तो अर्थ कितनी रोटेशन कंप्लीट करेगा, अर्थ की जो राउंड ट्रिप होगा वो 29 हो जाएगा आफ्टर 29 ईयर्स, ठीक है, बिल्कुल सही। और जुपिटर की बात करें अगर, तो जुपिटर के लिए आपको क्या करना होगा, 29 को डिवाइड करना होगा बाय 12, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये कितनी रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। तो ये रोटेशन कंप्लीट करेगा 2.4, ठीक है, राउंड ऑफ, बिल्कुल ठीक है। तो जुपिटर जो है वो 12 ईयर्स का मतलब ये हुआ कि 29 ईयर्स की अगर बात हो, तो 29 को हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो 2.4 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है एक रोटेशन, सेकंड रोटेशन और थर्ड अभी हाफ ही नहीं हुई, तो इसलिए उसकी पोजीशन कुछ और होगी। और सैटर्न की बात करें, तो सैटर्न तो एक ही रोटेशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसका तो है ही आपके पास टाइम ड्यूरेशन 29 ईयर्स का। तो जुपिटर 2.4 कर रहा है, ये हमें याद रखना है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, द टाइम टेकन फॉर सैटर्न टू रोटेट इज 29 ईयर, बिल्कुल ठीक है, आंसर आपने कंप्लीट लिखा है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन इसकी आप करने की ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, अर्थ जो है वो इसी पोजिशन पर वापसी मिलेगा हमें, और दूसरा जो है वो सैटर्न भी हमें इसी पोजिशन पर मिल जाएगा, लेकिन जो जुपिटर है, जुपिटर हमें इस पोजिशन पर नहीं मिलेगा। और जुपिटर का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसकी 2.4 रोटेशन कंप्लीट हुई है, तो इसका मतलब है वो हमें कहीं यहाँ ऊपर मिलेगा, वो इस लाइन पर दोबारा पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो
ठीक है, मैं आपके ही आंसर को यहाँ पर ठीक है, ये आंसर मैंने आपका ही यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आएगी, सिंपल कैलकुलेशन ही करना है। और ये लास्ट में क्या मिस हुआ है, पोजीशन येट। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ तक कंप्लीट। और फिगर 2.2 शो द पोजीशन ऑफ द थ्री प्लैनेट्स ऑफ एग्जैक्टली 6 ईयर्स आफ्टर द डायग्राम इन 2.1। अब उन्होंने ईयर्स फिर से चेंज कर दिया, अब वो आपसे 6 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो 6 ईयर्स के बाद जो है वो प्लैनेट्स आपके पास किस पोजीशन पर होंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। और रेफरेंस आपने वही प्रीवियस वाला यूज करना है, सब नया कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन अभी कंटिन्यू कनेक्टेड चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले तो अर्थ की बात कर लेते हैं, तो अर्थ कहाँ मिलेगा हमें, अर्थ तो हमें सेम पोजीशन पर मिल जाएगा, उसने यहाँ से स्टार्ट किया बिल्कुल, तो अर्थ तो हमें यहीं पर मिल गया। और उसके बाद बात करते हैं सेकंड की, और सेकंड प्लेनेट हमारे पास है जुपिटर। जुपिटर जो है वो 12 ईयर्स की रोटेशन दिखा रहा है, 1 ईयर में, मतलब 12 ईयर्स कि उसमें आपके पास कंप्लीट रोटेशन का टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब ये कि 12 ईयर्स अगर जुपिटर ले रहा है कंप्लीट के लिए, तो 6 ईयर्स में वो हाफ कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, 6 ईयर्स में आपके पास जो जुपिटर है वो हाफ रोटेशन कर पाएगा, तो जुपिटर आपके पास 180 डिग्री के साथ होगा दूसरे एंड पर, यहाँ पर। अब प्रॉब्लम है सैटर्न का। सैटर्न का प्रॉब्लम ये था कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 29 ईयर्स का। अब उसको 29 ईयर्स चाहिए, अब हमें ये चेक करना है कि वो 29 ईयर्स बाद किस एंगल पर हमें मिलेगा। तो जुपिटर को अगर हम चेक करते हैं, तो जुपिटर के लिए, सॉरी सैटर्न के लिए हमने चेक करना है, तो सैटर्न के लिए हम सिंपल ये करेंगे कि हमें 6 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है, 0.2। ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो हमें 6 ईयर्स को डिवाइड करना होगा 29 ईयर्स से, जो कि सैटर्न का एक्चुअल टाइम है एक रोटेशन कंप्लीट करने का। और अब क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल्स के अकॉर्डिंग पोजीशन शो करनी है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक्स एक्सिस, यहाँ से अगर हमारे पास जो शुरू हो रहा है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और 270, और इन लास्ट 360 डिग्री कंप्लीटेड ओवर हेयर। तो कंप्लीट रोटेशन हमारे पास टेबल है, अगर मैथ्स करते हो तो मैथ्स में आपके पास ये एक्सेस इसी तरह से होंगे, तो इसके लिए हमें 360 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम डिग्रीज में वैल्यूज की फाइंड आउट कर सकें। तो सैटर्न के लिए जो डिग्री में वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 74 डिग्रीज, राइट? आप एक बार चेक कर लो। सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव डिग्रीज, ठीक है। अब क्योंकि हमने एग्जैक्ट एंगल तो नहीं बताना, ठीक है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो हम इसको 74 मेजर कर लेंगे। अब क्योंकि रोटेशन किस साइड से हो रही थी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एक चीज इम्पोर्टेंट है। रोटेशन थी हमारे पास क्लॉकवाइज, रोटेशन है यहाँ पर हमारे पास क्लॉकवाइज, तो आप 74 एंगल ऊपर भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन आपके पास रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो 74 डिग्री आपने यहाँ से मेजर करने। तो यहाँ से मेजर करने के बाद लेट सपोज हमारे पास जो सैटर्न था वो 90 से थोड़ा सा पहले है, तो सैटर्न हमें कहीं यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, तो हमें इसको 90 और 0 के मिड में 74 पर कहीं रखना है, तो वो क्लोज होगा आपके पास 80 के, तो ये आपके पास ये वो सेक्शन की पोजीशन होगी। ठीक है,
ये आ गया सैटर्न, सैटर्न को कर दिया हमने अलग। ओके यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 11 मार्क का क्वेश्चन था और इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि जब फर्स्ट टाइम इंडक्शन होती है किसी न्यू टॉपिक की तो इतना कैलकुलेशन बेस नहीं होता। कैलकुलेशन बेस है भी तो वो आपको साथ में सपोर्टिव रीडिंग सब खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट पार्ट, टेबल 3.1 लिस्ट सम ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, और कंप्लीट टेबल 3.1 बाय राइटिंग इन द नेम ऑफ द मिसिंग प्लैनेट्स। मिसिंग प्लैनेट्स के नेम आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, तो एक आपने सेंड किया वीनस एंड मार्स। ठीक है, तो मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। और इसके लिए वो आपके पास राइमिंग बनता है, माय वेरी एजुकेटेड मदर। जस्ट बस नगेट्स। तो आप इस राइमिंग से भी जो है वो प्लैनेट्स का सीक्वेंस याद रख सकते हो, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, वैसे तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जिसे सीक्वेंस में प्रॉब्लम है वो यूज कर सकता है। और कंप्लीट 3.1 कंप्लीट कर लिया। एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर चेंजेस। यूज टेबल 3.1 टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर, अर्थ एंड जुपिटर। सो अर्थ एंड जुपिटर की बात हो रही है, तो इनके बीच पे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करना है, और जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा वो भी फाइंड करना है। तो अब आपने पहले बात करते हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कब होगा? अच्छा, इन्होंने आपको एवरेज डिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास एवरेज डिस्टेंस भी मेंशन है कि सन से वो कितने दूर है प्लैनेट, और फिर आपने जो है वो प्लैनेट वर्सेस प्लैनेट का डिस्टेंस देखना है। तो अर्थ और जुपिटर को अगर आप देखो तो अर्थ और जुपिटर के बीच में सिर्फ मार्स एक प्लैनेट आ रहा है आपके पास, और इनका जो सन से डिस्टेंस है, लेट सपोज अगर आप सन के कंपेरिजन से इसे चेक करते हो, तो अगर सन आपके पास इस पोजीशन पर है, तो सन के बाद आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लें, तो लेट सपोज पहले मर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स और फिर जुपिटर। तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है, और अभी हम जो डिस्टेंस फाइंड करने में इंटरेस्टेड है वो हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो एक हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं अर्थ का, और एक डिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं जुपिटर का। अच्छा, अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस यहाँ पर अगर यूज करके हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें आप अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की बात करो तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तो वही होगा जिस पोजीशन में अभी डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए सब्ट्रैक्ट, तो हमने स्मॉलेस्ट जो फाइंड करना, बिल्कुल सही कि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और लार्जेस्ट के लिए ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया डायग्राम के साथ। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तो जो अभी डायग्राम में शो हो रहा है वही स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि अभी ये सबसे क्लोजेस्ट है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास स्मॉलेस्ट है। तो अब हमने ये जो सेंटर में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेंगे, और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करने का मतलब ये कि हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने, तो
तो 7.8 माइनस 1.5 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आंसर, एक्सपोनेंट तो सेम है, हम नंबर्स को माइनस कर लेते हैं, विल बी इक्वल टू 10 to the power 8। और लार्जेस्ट डिस्टेंस पे अगर हम जाते हैं तो लार्जेस्ट डिस्टेंस विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज, 7.8 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्टेंस पे होगा ये कि अर्थ आपके पास 180 डिग्री चेंज कर चुका होगा, वो सन की दूसरी साइड पर होगा, तो उस वक्त सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अर्थ से सन का डिस्टेंस और फिर सन से जुपिटर तक का डिस्टेंस दोनों को ऐड कर लेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू 9.3 10 to the power 8 किलोमीटर्स किलोमीटर्स। और ठीक है, 6.3, 9.3 बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। और नेक्स्ट पार्ट सी, ओके, पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन, अ प्लैनेट इज इन ऑर्बिट अराउंड अ डिस्टेंस स्टार, एज इट पासेस इन फ्रंट ऑफ स्टार इट ब्लॉक्स सम ऑफ द लाइट ऑफ द स्टार फ्रॉम रीचिंग अर्थ, और रिड्यूसिंग द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार एज सीन फ्रॉम द अर्थ, फिगर 3.1 शोज द व्यू फ्रॉम अर्थ एज द प्लैनेट पासेस इन फ्रंट ऑफ द स्टार। ओके, तो यहाँ पर जो है वो प्लैनेट अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उसके साथ एक डिस्टेंट स्टार भी है उसी की लाइन में, और जैसे ही वो उस स्टार के सामने से मूव कर रहा है तो जो स्टार की लाइट है तो जो अर्थ तक पहुंच रही है उसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्लैनेट जब उसके आपके पास फ्रंट से मूव करेगा तो लाइट तो ब्लॉक होगी क्योंकि आपके पास उसका शेडो कास्ट होगा, तो वो ब्राइटनेस आपके पास थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन ये है कि फिगर 3.2 शोज एन इनकम्प्लीट ग्राफ ऑफ हाउ द ब्राइटनेस ऑफ स्टार वेरीज विद टाइम एज सीन फ्रॉम द अर्थ, और द प्लैनेट इज इन फ्रंट ऑफ द स्टार फ्रॉम टाइम T1 to T2। तो T1 से T2 का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम में प्लैनेट के सामने जो है वो आपके पास, प्लैनेट जो है वो स्टार के फ्रंट पे है जो कि लाइट ब्लॉक कर रहे हैं, आपने ये करना है कंप्लीट फिगर 3.2 टू शो हाउ द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार वेरीज विद टाइम। अच्छा, नॉर्मली इसमें ये होगा कि सबसे पहले तो ब्राइटनेस जो आपके पास मैक्सिमम थी T1 तक, तो T1 तक पहुंचने में कोई भी आपके पास लाइट ब्लॉक नहीं हो रही थी, अब T1 पे पहुंचने के बाद लाइट ब्लॉक होना शुरू हुई है, तो लाइट ब्लॉक होने का मतलब ये कि पहले आपकी जो है वो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, और फिर कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट होगा क्योंकि इंटेंसिटी आपके पास सेम हो जाएगी, क्योंकि प्लैनेट पहले हाफ सेंटर में कवर कर रहा होगा और फिर डाउनवर्ड आएगा, तो कुछ टाइम इंटेंसिटी सेम होगी, और जैसे वो आपके पास प्लैनेट अवे मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम स्टार तो आपकी इंटेंसिटी अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इफ वी वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस पार्ट, सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, फर्स्ट वी हैव टू डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, देन इट विल बिकम कॉन्स्टेंट एंड देन इट विल मूव इन अपर डायरेक्शन लाइक दिस, एंड देन आफ्टर T2 इट विल कंटिन्यू अगेन द सेम सीक्वेंस ऑफ द ब्राइटनेस, बिकॉज आफ्टर T2 देयर विल बी नो अदर प्लैनेट इन फ्रंट ऑफ द स्टार। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब हाउ द कंप्लीटेड 3.2 should be changed to show a larger planet passing at the same distance in front of the same star. अगर हमारे पास planet larger हो, तो larger planet के लिए आपके पास क्या difference होगा? इसकी intensity की अगर हम बात करें, तो इसकी intensity पे क्या change आएगा? ऑपोजिट opposite। अच्छा, अब क्योंकि हमने साइज इंक्रीज कर दिया ना, तो साइज इंक्रीज करने का मतलब ये कि इंटेंसिटी लाइट की जो ब्राइटनेस है
वो और ज्यादा कम हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर हम सेकंड पार्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो सेकंड पार्ट के लिए ग्राफ इस तरह से होगा कि ये आपके पास ब्राइटनेस और ज्यादा इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, क्योंकि प्लेनेट का साइज बड़ा है, और ये कांस्टेंट लाइन आपके पास थोड़ा सा नीचे होगी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उसी पॉइंट को रीच करेगी, और देन तो ये वाला जो है वो सेकंड पार्ट के लिए आपके पास डायग्राम है, क्योंकि आपके पास प्लेनेट का साइज अभी जो हमारे पास गिवन है वो डिफरेंट है। अगर हम इससे बड़ा प्लेनेट यूज करें तो वो आपके पास ज्यादा लाइट को ब्लॉक करेगा स्टार की, क्योंकि स्टार की जो लाइट यहाँ से पास हो रही है वो यहाँ तक ब्लॉक हो रही है, पहले जो है वो इतना ज्यादा ब्लॉक नहीं हो रही थी, पहले जो ब्लॉकेज की लाइन थी वो डिफरेंट थी, पहले आपके पास ब्लॉकेज यहाँ से शुरू हो रही थी, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस, एंड इफ यू वांट टू राइट द आंसर सो आंसर विल बी लाइक दिस, देयर विल बी लेस ब्राइटनेस when the star will be replaced, sorry, star will be blocked by a larger planet and second flat section of graph between T1 and T2 will be at lower level. अभी जैसे हमने डायग्राम में डिस्कस किया, फ्लैट सेक्शन will be for a shorter time. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना के दिखा देता हूँ, तो आपके पास इसका जो टाइम पीरियड होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लेनेट जैसे ही उसका साइज बढ़ा है तो जैसे वो थोड़ा सा स्पेस देगा स्टार को तो आपके पास ब्राइटनेस में काफी चेंज आएगा, तो कांस्टेंट का आपके पास सेक्शन थोड़ा सा छोटा करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी आपके पास। मेरा यहाँ रफ हैंड थोड़ा सा यूज किया है, तो ये सेक्शन आप प्रीवियस वाले से थोड़ा सा स्मॉल बनाओगे। और मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सजेस्ट हाउ एन एस्ट्रोनॉमर यूजेस द चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार टू मेजर द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द स्टार। अब एस्ट्रोनॉमर जो है वो इस चेंज ऑफ ब्राइटनेस को कैसे यूज कर सकता है टू मेजर द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द स्टार। तो एनी आइडिया? ही कुड मेजर हाउ लॉन्ग द स्टार वॉज ब्राइट, यस। तो आइडिया आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि जब वो T1 पर था तो T1 का मतलब ये है कि T1 पे उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम थी, मतलब T1 पे आने से इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले उसका जो लास्ट पॉइंट था वहां पे उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम थी, तो हमें यहाँ पर एक टाइम की वैल्यू मिल गई इनिशियल। अब हम वेट करेंगे कि जैसे ही वो आपके पास रोटेट पूरा करने के बाद दोबारा इस पॉइंट पर आएगा, मतलब दोबारा से आपके पास ब्राइटनेस जो डिक्रीज होना शुरू होगी, ठीक है। पहले तो आपके पास जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम थी, पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये है कि वो अभी प्लैनेट सामने से गुजर चुका है। अब हम वेट करेंगे जब वो प्लैनेट दोबारा उस पोजिशन पर आएगा, ठीक है, मतलब ये प्लैनेट आपके पास कंप्लीट रोटेट करने के बाद, अभी लेट सपोज ये T1 पर है, ठीक है, और यहाँ से कंप्लीट रोटेट करने के बाद जब इस पॉइंट पर दोबारा आएगा क्लोज टू T1, तो तब हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब इसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो गई है, तो अब हम दोबारा से इस T1 की वैल्यू के साथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर सिंपल लिख सकते हो, दैट एस्ट्रोनॉमर फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ T1 और T2 से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम स्टार्टिंग पोजीशन क्या ले रहे हैं, और टू द नेक्स्ट टाइम जब वो इसी सेम ब्राइटनेस पर दोबारा आएगा व्हेन द ब्राइटनेस स्टार्ट्स टू रिड्यूस एट T1 और इंक्रीज एट T2। अगर आप T1 के रेफरेंस से लिखोगे तो वो डिक्रीज होना शुरू हुई थी T1 पे, और अगर आप T2 के रेफरेंस से लिखोगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि T2 पर ब्राइटनेस दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एस्ट्रोनॉमर्स लुक एट डिस्टेंस गैलेक्सी दे फाइंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट फ्रॉम द गैलेक्सी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अपार्ट फ्रॉम विजिबल लाइट स्टे टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय अ स्टेबल स्टार। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम साइड रखते हुए हमने बाकी दो का नाम बताना है, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव एमिटेड बाय अ स्टेबल स्टार। ओके, तो अब हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इंफ्रारेड और आपके पास माइक्रोवेव, अब क्योंकि माइक्रोवेव का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ अल्ट्रावायलेट, क्योंकि हम यहाँ पे विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं, वो तो विजिबल रीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो लाइट रे होंगी वो बिल्कुल सही, अब इंफ्रारेड होगी और सेकेंड जो है वो अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट यूवी, और डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो रेड साइड होगी हमारे पास स्पेक्ट्रम की, वहां पर हमने क्या चेंज ऐसा ऑब्जर्व किया होता है जो वायलेट से डिफरेंट होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। एन इंक्रीज इन दी ऑब्जर्व वेवलेंथ, बिल्कुल सही। एन इंक्रीज इन द ऑब्जर्व वेवलेंथ और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, पार्ट बी, द स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ अ गैलेक्सी इज द स्पीड एट विच द गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। स्पीड ऑफ रिसेशन की बात हो रही है कि गैलेक्सी आपसे जितना मूव अवे कर रही है, क्योंकि हमने रेड शिफ्ट में पढ़ा था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, एक्सपेंडिंग की वजह से हर गैलेक्सी दूर मूव कर रही है। एस्ट्रोनॉमर्स यूज रेड शिफ्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ रिसेशन, रेड शिफ्ट हमने डिस्कस किया है। एस्ट्रोनॉमर्स कैन ऑल्सो मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ द गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ, सच लार्ज डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। फॉर्मूला आपको दे दिया यहाँ पर, डी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ रिसेशन। अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, स्पीड वाला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम।
नेक्स्ट टेबल 4.1 शोज देयर एस्टिमेट्स फॉर फोर डिफरेंट गैलेक्सीज. फोर डिफरेंट गैलेक्सीज का हमारे पास जो है वो एस्टिमेट गिवन है, और सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा है कि आपके पास गैलेक्सी का मीनिंग क्या है. ठीक है, गैलेक्सी का हमने मीनिंग डिस्कस किया था कि गैलेक्सी में हम डिस्कस ये करते हैं कि जहाँ पर आपके पास बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो यहाँ पर आपने उस कॉन्सेप्ट को कॉपी करना है. तो सिंपल हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि गैलेक्सी इट इज द सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स. टुगेदर विद गैस एंड डस्ट held together by gravitational attraction. Okay, galaxy complete हो गया. और show that one light year is equals to 9.5 exponent 15 meter. तो one light year को आपने show करना है quantity के equal. और आपके पास जो है वो ग्राफ में कुछ रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज गिवन है, आप उन्हें यूज करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. तो वैल्यूज अगर आप चेक कर लो, और नॉर्मल अगर आप अर्थ की भी बात करते हो, ठीक है, तो हम अगर डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, लेट सपोज उन्होंने आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. स्पीड वी विल यूज स्पीड ऑफ टाइम 3 × 10⁻¹. और टाइम विल बी इक्वल टू, हम अर्थ के रेफरेंस से अगर देखें तो 365 days, 24 hours और 3600 seconds इन 1 hour. तो कंबाइनिंग ऑल दीज वैल्यू, सो सबको कंप्लीटली आप मल्टीप्लाई करके सिर्फ वेरीफाई कर लो कि आपका आंसर सेम है या डिफरेंट. तो सिर्फ आपने फाइनल आंसर चेक करना है कैलकुलेशन में कि आपके पास आंसर सेम आता है या नहीं. ओके, 9.4 एक्सपोनेंट 15, ठीक है, तो आपके पास राउंड फिगर जो वैल्यू है वो 15, ठीक है. और नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेस स्पीड ऑफ रिसेप्शन ऑफ अ गैलेक्सी एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. अच्छा, अगर हम गैलेक्सी को प्लैनेट से दूर मूव करते हैं, अर्थ की अगर हम बात करें, गैलेक्सी अगर अर्थ से दूर जा रही है, तो उसकी स्पीड ऑफ रिसेप्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. ये भी हमने रेड शिफ्ट और बिग बैंग के साथ डिस्कस किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वेरी गुड, तो आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी आपके पास इंक्रीज करेगी. तो ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ रिसेशन. ओके, पार्ट फोर, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यूज ऑफ टी प्रोवाइड एविडेंस. ओके, प्रोवाइड एविडेंस फॉर द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. और आपने ये करना है कि जो वैल्यूज हमारे पास टी की गिवन है हमारे पास टेबल में, उसको यूज करते हुए ये बताना है कि बिग बैंग थ्योरी आपके पास इसको कैसे प्रूफ करती है. अच्छा, अगर हम टाइम की बात करें, तो बिग बैंग में आपको याद होगा हमने स्टार्ट में एक सेंटेंस लिखा था कि अराउंड जो है वो 14 बिलियन ईयर्स, अगर हम पीछे जाएं तो इतना पुराना जो है वो आपके पास बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है कि 14 बिलियन ईयर पहले जो है वो एक ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद जो है वो गैलेक्सीज और यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हुआ था. ठीक है, तो वहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है 14 बिलियन ईयर्स का. और अगर आप यहाँ पर वैल्यूज को चेक करो, तो यहाँ पर 13, 13, 14, 13, तो ऑलमोस्ट अराउंड ये 14 बिलियन ईयर के क्लोज क्लोज है. ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है वो कि 14 बिलियन फिक्स नंबर हो,
सो अराउंड 14 बिलियन की बात है। तो इन वैल्यूज को हम चेक करके ये कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो ये बिग बैंग को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड सेम है। तो सिंपल आप यहाँ पर आंसर ये लिखोगे कि वैल्यू ऑफ टी आर नियरली सेम एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14 बिलियन ईयर्स, क्योंकि अब उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 14 बिलियन ईयर के इक्वल है और ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ सेम होने की वजह से कि ऑल वर्क टुगेदर, मतलब जब आप उनके इनिशियल पॉइंट पर जाओगे ना, तो इनिशियल पॉइंट का मतलब ये कि उन्होंने शुरू एक जगह से किया था। तो बिग बैंग की जो थ्योरी है कि वो जो ब्लास्ट आपके पास हुआ है एक्सप्लोजन जाइंट, उसमें सारी चीजें जो आपके पास एक्सपेंड होने शुरू हुई, तो इसका मतलब है उससे पहले वो सब एक ही डिस्टेंस पर थे। तो ऑल वर्क टुगेदर 13 to 14 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। तो कंक्लूजन, ओके, तो इसका मतलब है यहाँ तक तो क्वेश्चंस हमारे पास इजी थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था। और आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, इसे भी कंप्लीट करते हैं, तो उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन नंबर 5, अब हमने जो स्टार्स के बारे में डिस्कस किया था, क्वेश्चन स्टार्स से रिलेटेड है। द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज, डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस दिस एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन, यस बिल्कुल ठीक। अब आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेना, तो अब आप एक बार दोबारा से उस चीज को रिवाइज कर लेना कि स्टार के जो हमने स्टेप्स फॉलो किए थे, कि स्टार की फॉर्मेशन जो उसका लाइफ साइकिल था पूरा, तो एक्चुअली वो किस तरह से आपके पास वर्क करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना। उसमें आपको याद होगा हम उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन तो बिल्कुल यूज करते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो फ्यूल होता है आपके पास वो हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, तो इसका मतलब ये है आप उसी के रेफरेंस से इसे एक्सप्लेन कर लोगे सिंपल। तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई सॉरी, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम, एंड दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये तो हमारा इनिशियल प्रोसेस था, और फर्दर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोसेस नीड्स अ हाई टेम्परेचर टू अकर। अब हमें यहाँ पर हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए ये चीज एक्सप्लेन करनी है। तो अब इसका अगर हम आंसर लिखें, खैर ये पूरा प्रोसेस हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपके पास मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉपी पेस्ट की है। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली आर पॉजिटिवली चार्ज व्हेन दे कम्स क्लोज टू ईच अदर, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आपके पास यस, सो दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कैन फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। यस, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन, और हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो टूवर्ड सेंटर अट्रैक्ट करेगी, और उसके ऑपोजिट जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, और वो रिपल्सिव फोर्स आपको इस फ्यूजन रिएक्शन में मिल रही होगी। सो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन
टू ओवरकम दिस रिपल्सिव फोर्स वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. Okay, part B, one part, first part. Some stars are initially much more massive than the sun. Describe the cycle of such a star after it has passed through the stage of being a protostar. तो इसमें आपको याद होगा हमने पूरा इसका प्रोसेस बनाया था और पूरे प्रोसेस में हमने इसको नेबुला से स्टार्ट किया. नेबुला से स्टार्ट करने के बाद हम इसे लेकर आए बाकी स्टेजेस पर. एक मिनट में से चेक कर लेता हूँ अगर ये हमें मिल जाए एक बार और रिवाइज हो जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार. तो हमारे पास जो प्रोसेस था उसमें हम इसे रेड जाइंट की तरफ लेकर गए, रेड सुपर जाइंट की तरफ लेकर गए और इसी तरह से ये प्रोसेस आपके पास कंटिन्यू था और ये आपके पास एक लाइफ साइकिल है. ठीक है, इस लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं. तो इसमें जब स्टार्ट होता है तो स्टेलर नेबुला फिर वो एवरेज स्टार में और मैसिव स्टार में कन्वर्ट होता है और उसमें कन्वर्ट होने के बाद फिर वो एक रेड जाइंट और एक रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट होगा. फिर फर्दर आप इन दोनों को अलग अलग ब्रांचेस लेकर चलोगे. रेड जाइंट जो है वो फर्दर प्लेनेटरी नेबुला, वाइट डार्क और वाइट डार्क के बाद ब्लैक डार्क. और अगर आप रेड सुपर जाइंट के सीक्वेंस से चलोगे तो वो सुपरनोवा और सुपरनोवा आपके पास न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा. तो ये आपके पास एक पूरी लाइफ साइकिल थी जिसको हमने डिस्कस किया था स्टार्स की कंप्लीट स्टेजेस के अकॉर्डिंगली. यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सच अ स्टार आफ्टर इट हैज पास थ्रू द स्टेज ऑफ बीइंग अ प्रोटो स्टार. ठीक है, तो प्रोटो स्टार की स्टेज के बाद अगर हम इसे कंसिडर करें तो प्रोटो स्टार के बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है स्टार्ट में क्योंकि हमें प्रोटो स्टार ही मिलता है. तो प्रोटोस्टार के आगे जो हमारी थर्ड स्टेज के बाद जो अनस्टेबिलिटी आती है तो ये उसके बाद का आपसे पूरा एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है. तो वो पूरा आपने एक्सप्लेनेशन लिखना है. तो वो एक्सप्लेनेशन आपके पास वैसे तो उस नोट्स में है कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर भी अगर कुछ बेसिक लिखना हो तो यहाँ पर भी आप बेसिक लिख सकते हो. अदरवाइज आपको ये चीज़ आपके नोट्स में भी कंप्लीट मिल जाएगी जिस तरह से हमने वहाँ डिस्कस की थी. ओके, अगर इसको आंसर करना हो तो मैं शॉर्टली यहाँ इसको आंसर कर देता हूँ. यस, मेन सीक्वेंस स्टार, बिल्कुल सही. तो मेन सीक्वेंस स्टार हमारे पास इम्पोर्टेंट था वहां पर. तो मेन सीक्वेंस स्टार द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई विल फ्यूज, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई एंड एवरी फ्यूजन रिएक्शन रिलीजेस हीट एंड लाइट एनर्जी विच कीप्स द कोर हॉट ड्यूरिंग and further during the main sequence. ठीक है, आपके पास ये जो main sequence वाला part है ना ये थोड़ा सा detail है, यही important है, इसके बाद से ही सारी चीजें start होती है. During the main sequence the star is in equilibrium. और equilibrium में किस तरह था कि force of attraction और जो fusion reaction था वो दोनों आपके पास opposite थे. So once the hydrogen causing the fusion reaction in the star will begin. और फिर उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब वो उसका फ्यूल रन आउट होना शुरू हो जाएगा यानी हाइड्रोजन वहां पर खत्म होना शुरू हो जाएगा
तो बाकी रिमेनिंग रिएक्शन जो है वो हीलियम करवाएगा, तो हीलियम न्यूक्लियाई विल अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म, और जब वो फ्यूजन रिएक्शन करेगा तो हीलियम आपके पास ब्रेक होकर बनाएगा बेरिलियम, तो ये बेरिलियम में ब्रेक होगा फर्दर, और अगर आप इसको फर्दर स्टेजेस के साथ कंटिन्यू करो, स्टार बिकम्स रेड सुपर जाइंट। अभी हमने जो बाकी डायग्राम में देखा कि रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद वंस द फ्यूजन रिएक्शन इनसाइड द रेड सुपर जाइंट फाइनली फिनिश द कोर ऑफ द स्टार विल कोलैप्स सडनली, दिस इज कॉल्ड सुपरनोवा। और फर्दर आप उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन इसी तरह से कंप्लीट कर दोगे, ये फिर वो आपके पास न्यूट्रॉन स्टार आपके पास प्रोड्यूस होगा, और उसी के बाद फिर ब्लैक होल आपके पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर इसमें कंसिडर किया, सुपर रेड जायंट जो है वो सुपरनोवा, और फिर न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल पार्ट है क्वेश्चन का, ऑल्दो द अर्ली यूनिवर्स कंटेन ओनली लाइट एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, इट नाउ कंटेन्स अ नंबर ऑफ वेरी हैवी एलिमेंट्स, स्टेट इन विच पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार दीज वेरी हैवी हैवी एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, इनिशियली उन्होंने कहा कि इस इनिशियली, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग पार्ट डिस्कस किया था, जब हम बात करते हैं नेब्यूला की, तो नेब्यूला में हमने डस्ट पार्टिकल और गैस पार्टिकल्स की बात की थी, और स्टार्ट वो हो रहा था हाइड्रोजन से, तो आपके पास इनिशियल पार्टिकल्स तो इतने हैवी नहीं थे, और फर्दर जब आप उन्हें फॉलो करोगे एवरेज स्टार्स और रेड जायंट स्टार नेब्यूला और इन सब स्टेटमेंट्स के साथ, तो आपके पास फर्दर आपने उन प्लैनेट्स के नाम बताने जिनमें एलिमेंट्स हैवी होंगे, जिसमें आपने उस एलिमेंट का नाम लिखना है जो आपके पास बाकी एलिमेंट से हैवी है। तो जिसमें लास्ट स्टेज था ये सुपरनोवा, इसके बाद आपके पास जो है वो डिफरेंट जो हैवी मास के प्लैनेट्स होंगे वो फॉर्म होंगे, न्यूट्रॉन स्टार और ये सब, उससे पहले तो सारा जो है हमारे पास गैसेस पे चल रहा था, तो लास्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, और वो आपने स्टेज यहाँ पर मेंशन करना है, तो स्टेज आपके पास होगा सुपरनोवा, ठीक है। अच्छा, ब्लैक होल से पहले का हमने लिखना है, क्योंकि एग्जैक्ट उन्होंने आपसे एलिमेंट्स नहीं पूछा, उन्होंने आपसे बस लाइफ साइकिल का वो पार्ट पूछा है जिसमें से आपके पास वो सारे हैवी वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट होंगे, तो वो आपके पास सुपरनोवा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये क्वेश्चंस थे सारे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके P4 और P2, अगर आप ओ लेवल्स कर रहे हो और IGCSE P4 में आपके पास इंक्लूडेड है, तो बाकी फिर CS के MCQs वाला पार्ट है वो फिर नेक्स्ट टाइम हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।